You get the apple? Yeah, no. Yes, so much you lollipop. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज है सैटरडे, 12:15 बज गए। अभी हम लोग उठे, पहले उठे थे 9 बजे और अभी सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया था जो रात में कीमा आया था ना, और रोटी गर्म करके उनको दे दी थी, फ्रूट दे दिए थे। उसके बाद वो चले गए और मैं उठी थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, इलाहा इतना रोई बाप रे। फिर इसको रो रो के सोए 10 बजे। इसके साथ हम लोग भी सो गए, शाल भी उठ गई थी, फिर शाल भी सो गई, फिर हम तीनों सो गए। अभी बस उठो, अभी मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। आज मैंने उत्तपम ऑर्डर किया है, हमारे जो सामने कैफेटेरिया नहीं है वहाँ से। मुझे डोसा मंगाना था लेकिन डोसा मिला नहीं, तो उत्तपम ऑर्डर कर दिया। तो ये है उत्तपम, पता नहीं कैसा बना, पता नहीं कौन कौन से मसाले डाले, इंडिया में तो ऐसा नहीं बनता। उत्तपम मुझे तो पसंद नहीं आया, उसके साथ में जो चटनी और सांभर थी वो भी किसी ने काम की थी। विशाल को अच्छा लगा, उसने खा लिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी था। मैंने अपनी चाय बना ली है, साथ में कड़क पाव है और फ्रूट्स हैं। तो ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। इमाम की सुबह हो गई है, हमको नूडल्स बना के दिए क्योंकि उसको नूडल्स ही खाना है और कुछ तो खाना ही नहीं है, तो क्या करें फिर। नूडल्स के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। पहले वो खा रही थी ब्रेड एंड चाय के साथ में, लेकिन अब वो नहीं खा रही, 2-3 बार खाया उसके बाद खत्म। क्या 2:30 बजे अभी उठे, अभी जाए थे खाना काफ़ी सर। अल्हम्दुलिल्लाह शाल के एक स्कूल से रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने मंडे को बुलाया सुबह 8 बजे, इशार का टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट। तो मंडे को देखेंगे हम लोग क्या होता है स्कूल में, इंशाल्लाह कि असेसमेंट में वो पास हो जाए। मुझे पता भी नहीं है कि असेसमेंट के लिए इसको कैसे प्रिपेयर करना है, बस मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी लेकिन मुझे कोई भी ऐसे इंटरव्यूज नहीं मिले जो कि मतलब दुबई के, वो सब इंडिया के मिल रहे थे। ये स्कूल जो है वो इंडियन स्कूल है, जहाँ पे इशार की फ्रेंड जाती है खदीजा, वही स्कूल है गर्भूत में। तो जाएंगे इंशाल्लाह मंडे को, देखेंगे क्या होता है। उस दिन मैं वहाँ पे भी जाऊँगी और पाकिस्तान की जो स्कूल है उसमें भी जाऊँगी, दोनों में जाऊँगी। मतलब पहले इंडियन स्कूल में जाके असेसमेंट करा दूँगी, उसके बाद पाकिस्तानी स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूँगी। तो देखते हैं कहाँ से होगा, जहाँ से भी रिस्पॉन्स आएगा पहले वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो असेसमेंट की फ़ीस है इनकी 100 दिरहम है, मतलब असेसमेंट फ्री नहीं है, असेसमेंट के पैसे देने हैं आपने। आज हम दोनों ने सेम ड्रेस पहन लिए, आज हम जा रहे हैं रुबाब की बर्थडे पार्टी में। तो विशाल को मैं बोल रही हूँ कि अपना ड्रेस दिखाओ। विशाल के बस कंधे थोड़े से बड़े हैं, बाकी लॉन्ग जो लेंथ है वो ठीक है, तो इसको बाद में मैं टेलर से सही करवा लूँगी। और इल्हाम के लिए कोई ब्लैक ड्रेस था नहीं, तो उसको मैं आज ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहना दूँगी। वैसे तो उन्होंने हमें बर्थडे में बुलाया था 6 बजे, लेकिन डिपेंड करता है रमीज़ पे कि वो कब आते हैं, लेट आते हैं या जल्दी आते हैं। तो बस मैं इशाल का यहाँ पे हेयर स्टाइल बना दे रही हूँ और हम लोग मतलब रेडी हो जाएंगे, जब वो आएंगे तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 साइड ब्रेड बना ली थी, उसके बाद मैं एक ब्रेड में से दूसरी ब्रेड को बाहर निकाल लिया था इस तरह, और नीचे मैंने इस तरह पोनी से इनको बांध दिया था। मैंने जो टेम्यू से ऑनलाइन अपना ट्राईपोड ऑर्डर किया था वो सही नहीं निकला, उसका जो स्विच था वो मतलब सही से बंद नहीं होता है, तो इसके वजह से जो ट्राईपोड है बार बार गिर जाता है और मेरा मोबाइल भी उस वजह से गिर जाता है क्योंकि वो लूज़ है। तो एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस तरह मैं आपको पूरी स्टेप नहीं दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो 2 ब्रेड्स को मैंने एक में मर्ज कर दिया था, और अभी मैंने 3 ब्रेड्स बना लिए और तीनों को मैंने इस तरह से एक और चोटी में बना लिया है। तो ये हो गया इशाल का पूरा हेयर स्टाइल रेडी और अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। 7 बज गया था लेकिन रमीज़ अभी तक नहीं आए थे, और सईद भाई का बार बार मैसेज आया था कि तुम लोग कब आओगे, तो मैंने उनको ये बोला कि बस हम लोग वेट कर रहे हैं रमीज़ का, हम लोग रेडी हैं, बस वो आएंगे तो हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग तैयार हो रहे थे,
मैंने बस मेकअप की किट निकाली थी और इल्हाम आ गई। इल्हाम ने जल्दी जल्दी अपने मुंह पे फाउंडेशन लगा लिया, मस्कारा लगा लिया और अभी मुझे बोलती है कि स्टार लगा दो मम्मा। लुक ओके ला लुक शीशे में देखना है बराबर लगे कि नहीं, मम्मा झूठ तो नहीं बोल रही। आई विल क्लीन दैट, मस्कारा लगाया आईब्रो के ऊपर। तो बस रमीज अभी आए हैं, सबसे पहले हम लोग रास्ते से गिफ्ट ले लेंगे, उसके बाद में रुबाब के घर जाएंगे। तो बस सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ग्रीनलैंड और वहां से रुबाब के लिए गिफ्ट ले लेंगे। और मैंने रमीज को बोला कि आप ही चले जाएगा, क्योंकि अगर मैं गई तो इल्हाम भी जिद करेगी कि मुझे भी टॉय चाहिए और इशाल भी बोलेगी मुझे भी टॉय चाहिए। तो ये दो गिफ्ट लेके आए हैं रमीज, एक किचन सेट है और एक ट्रॉली है, लेकिन ट्रॉली इल्हाम ने पकड़ ली, वो बोलती है कि मुझे चाहिए। जब हम लोग अंदर जाएंगे तो इल्हाम है ना वहाँ पे बिजी हो जाएगी, तब हम लोग ये छुपा के उससे रुबाब को गिफ्ट दे देंगे। हम लोग को पहुँचते पहुँचते 9 बज गया था और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये सामने दो बड़े गेट लगे थे लेकिन हमें पता नहीं था जाना कहाँ से। हमने दोनों भी नॉक किए लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं था, लेकिन हमें आवाज़ें आ रही थी, बर्थडे का सॉन्ग वगैरह चल रहा था, हमें समझ आया था यही रूम है, मतलब यही बिल्ला है उनका। तो फिर मैं सईद भाई को मैसेज किया, तो जब वो आए बाहर तब हमें पता लगा कि पीछे से रास्ता है इसका। तो काफ़ी बड़ा विला है और बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग किचन वगैरह आउटसाइड हैं और वॉशिंग वगैरह भी आउटसाइड है, और यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी फिलिपिनो सारे मिक्स लोग रहते हैं। तो इन्होंने भी ये बर्थडे पार्टी बाहर ही ऑर्गेनाइज करी है, तो यहाँ पे इन लोगों ने टेंट लगाया है और सारा सेटअप यहाँ पे किया है। इनकी जो बर्थडे पार्टी की थीम है वो स्नो वाइट है और रुबाब को भी उन्होंने उसी तरह ड्रेसअप किया है। और इल्हाम बस आ गई थी और इल्हाम ने केक के ऊपर एप्पल देख लिया, और जिस टाइम से ये एंटर हुई है यहाँ पे तब से बोल रही है कि मम्मा मुझे वो एप्पल चाहिए, और बस उसी के आसपास घूम रही है। रुबाब की मम्मी की एक फ्रेंड है जो कि पार्टी और इवेंट ऑर्गेनाइजर है, तो आज की ये पार्टी उसने ही ऑर्गेनाइज करी है, और बाकी केक और ड्रेस आयशा ने लेके आया है, बाकी सारा जो भी थीम है वो उन लोग ने सेटअप किया है, और इसमें गेम्स वगैरह पार्टी होस्टिंग ये सारा कुछ उन लोग ने किया है। रुबाब की बर्थडे पार्टी में जितने भी लोग आए थे या तो वो उसके मॉम के और डैड के ऑफिस के कोलीग थे या फिर उनके फ्रेंड्स थे, बाकी उनका करीबी रिश्तेदार यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारे फिलिपिन और पाकिस्तान में ही है। जो बच्चों की फूड टेबल थी वो अलग थी, इसके अंदर सारी चॉकलेट और हॉट डॉग और मार्शमेलो जूस ये सब चीज़ें थी, और जो बड़ों की फूड टेबल थी उसमें भी मतलब दो तरह के खाने थे, एक फिलिपिनो लोगों के लिए और एक इंडियन पाकिस्तानियों के लिए। तो हमने खाने में लिया था चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी, साथ में चिकन कटलेट था। अभी केक कटने जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। Strong, strong, strong. Okay. Hi, Ham.
राम लोग 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 केक ना एक पता था कितना इल्हाम को सिर्फ एप्पल चाहिए बस यू गेट द एप्पल ये समझ लीजिए लॉलीपॉप है तो बस बर्थडे पार्टी हमने अटेंड कर ली थी बच्चों ने एंजॉय कर लिया था और खाना भी हमने खा लिया था अब बस अब हम निकल रहे थे घर के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा था ये विला एकदम खुला खुला था और लेमन ट्री भी था खजूर का भी पेड़ लगा था और बाहर बैठने के लिए भी अच्छी खासी जगह थी और सईद भाई हमें बोल रहे थे कि मतलब तुम लोग भी इधर शिफ्ट हो जाओ तो हमने बोला था ठीक है हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं अभी तो फिलहाल नहीं लेकिन बाद में देखेंगे। मेरा जो राइट वाला नी है उसमें हमेशा पेन रहता है और ख़ासकर रात में लेटने के टाइम तो हमेशा मुझे पिलो रख के मतलब सोना पड़ता है तो रमीश ने आज मेरे लिए नी सपोर्ट लेके आए वो बोलते कि मतलब रात में सोने से पहले बाम लगा के इसको पहन लिया करो तो मतलब ये शायद गर्म से ना तुम्हें अच्छा फील होएगा तो पैर में दर्द नहीं होगा तो आज मैं ट्राई करूँगी देखते हैं कैसा है ये। बच्चों के तो आज मज़े हो गए इनको बहुत सारी चॉकलेट और कैंडीज़ मिल गई हैं और कार में बैठे के साथ ही इन लोग ने स्टार्ट कर दिया ओपन करना। रमेश इनको डांट रहे हैं कि अभी मत ओपन करो घर जाके ओपन करना लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले दोनों की फाइट चालू है। मैं रमेश को बोलती आज हम लोग अच्छी बर्थडे में गए बच्चों के लिए इतनी सारी चॉकलेट कैंडीज भी मिल गई पूरा बैग भर के और हमारे लिए खाना भी मिल गया। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय।